क्वेश्चन नंबर 125 शीट में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये क्लास में तीनों पार्ट्स मैंने किए हुए हैं। अगर आपको याद हो कि करंट याद है बाहर आ रहा है, इसमें शेल में अंदर जा रहा है, इस पे भी निकालो, यहाँ भी निकालो, यहाँ भी निकालो, तो ये सेम क्वेश्चन है, यहीं से लिया था मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसका बिल्कुल रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने करना नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मेथड बता देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करें। वैसे अगले क्लास में, अगली शीट में आने वाला है ये। क्वेश्चन है कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ट्राई कर लेना अगर कर सकते हो, अगली बार तो मैं करवा ही दूंगा। तो एक चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कैसा है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे कितना कैपिटल क्यू, ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रही है विद ओमेगा, ओमेगा के साथ इसकी रोटेशन है, ठीक है, यहां तक ओमेगा से रोटेट कर रही है। नेक्स्ट है, इसके अंदर डिस्क ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड बी इज ऑब्टेन एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, क्योंकि चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है तो अंदर करंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि चार्ज का घूमना, चार्ज का मूव करना यानी कि करंट का जनरेट होना, करंट का जनरेट होने का मतलब बी का जनरेट होना, तो बी जनरेट हो गया। तो बी की वैल्यू क्या होगी वो निकालो, और बी और आर का वेरिएशन निकालो। मैं आपको हिंट देता हूं, और मेडिकल वालों को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एंड में फॉर्मूला नोट करेंगे मेडिकल वाले, ग्राफ ही सीधा हमारे इसमें याद करेंगे। नॉन मेडिकल वालों को वो क्या कि अगर मान लो इसका डिस्क का एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करें, रिंग, रिंग इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर है और डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, जो आपने रिंग कंसिडर की इसकी स्मॉल जो थिकनेस है वो कितनी है, डी आर है। तो अगर इसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है तो इस रिंग पे स्मॉल क्यू चार्ज कैसे निकलेगा, एरिया वाइज। अगर एरिया डिस्क का पाई आर स्क्वायर है तो चार्ज कितना है, क्यू है, अगर वन है तो क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर है, और अगर रिंग का एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर, याद है सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस, तो चार्ज क्या बनेगा, क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, और ये क्या कहलाएगा आपका, डी क्यू। तो क्या स्टेप क्लियर है, डी क्यू, स्मॉल चार्ज आ गया। तो हिंट दे रहा हूं, आप घर जाकर ट्राई कर लेना, इसे डी क्यू निकलेगा, पहले डी क्यू आएगा तो स्मॉल करंट डी आई आएगा इसकी वजह से, क्या, डी क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, तो स्मॉल करंट जनरेट हो गया रिंग का। रिंग का स्मॉल करंट निकालने के लिए टाइम पीरियड क्या पुट करेंगे, टाइम पीरियड को पुट करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ओमेगा गिवन है, टाइम पीरियड नहीं गिवन, तो ये क्या आ गया, स्मॉल करंट आ जाएगा। इस स्मॉल करंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा डी क्यू इज इक्वल टू सॉरी डी बी डी ऑफ बी डी ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई इंटू स्मॉल करंट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ रिंग स्मॉल आर। इस डी आई को उठा के आपने यहां पुट करना है तो डी बी आएगा, और इंटीग्रेट करना है इसे 0 से कैपिटल बी तक और सिमिलरली 0 से कैपिटल आर तक, इंटीग्रेट करके बी की वैल्यू आएगी, यहां से आंसर आएगा। मेडिकल वालों को नहीं करना, ट्राई कर सकते हैं, नॉन मेडिकल ट्राई कर लेंगे घर जाके, इसे इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने अगली शीट में इंक्लूड किया हुआ है तो मैं इसका सोल्यूशन चेक करूंगा, करवा दूंगा, आप एक बार इसको ट्राई कर लेना, ठीक।
ओके नेक्स्ट है, तो अब जब करेंगे ना तो मेडिकल के लोग ये याद कर ले, नॉन मेडिकल के भी, जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आ रहेगा सॉल्व करने पे, इंटीग्रेट करने पे। तो ये इसका ग्राफ है, इसके वेरिएशन आए। नेक्स्ट जो है, और बी का फॉर्मूला ये आएगा, चेक करो, ये नोट कर लो फॉर्मूला, बी का ये फॉर्मूला आना चाहिए इंटीग्रेशन के बाद। तो ये फॉर्मूला जो है, अगर डिस्क रोटेट करेगी तो बी का फॉर्मूला ऐसे चेंज होगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। यस सर। करंट आई फ्लोज इन एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विद क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन लॉन्ग इट्स एक्सिस। कर नहीं पाएंगे, मैंने क्वेश्चन छुड़वाया था, बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेशन यूज हो रही है, इसको मेडिकल वालों को और नॉन मेडिकल वालों को नहीं करना। हाँ, आंसर मार्क करना है, प्लीज आंसर सीधा यूज करना है, मैंने जान के छुड़वाया ये क्वेश्चन, क्योंकि हाफ रिंग है, हाफ रिंग की बड़ी इंटीग्रेशन है, आधी रिंग में करंट जा रहा है, मान लो बोर्ड के अंदर करंट जा रहा है, और यहाँ पर बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें ना एलिमेंट लेते हैं, इसे एलिमेंट की वजह से डीबी डीबी के कंपोनेंट लेते हैं, तो ये आप प्लीज मत करें, इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा क्वेश्चन है ये, तो प्लीज इसे छोड़ दो, मेडिकल में तो नहीं आएगा पक्की बात है। सिक्स क्वेश्चन जरूर ऐसे आते हैं, सिक्स में डाउट। यस सर। ठीक है, सिक्स तो एक टिपिकल क्वेश्चन है बैट सर्विट लॉ का, इसमें दो करंट्स हैं, दोनों बोर्ड के बाहर हैं, और ये जो डिस्टेंस है आधा आधा, ये डी एन टी है। तो अगर मैं ये कहूं दोनों में करंट आई है, तो आप ये बताओ कि इस आई करंट की वजह से यहां पर बी की वैल्यू क्या होगी, आई आई करंट की वजह से बी की वैल्यू यहां पर क्या होगी। तो आई करंट कैसे है, बोर्ड के बाहर है, आई करंट बोर्ड के बाहर है, तो बी यहां पर कैसे होगा, अपवर्ड होगा। यहां पर भी आई करंट कैसी है, बोर्ड के बाहर है, तो बी कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। तो एक बात तो पक्की है कि बी की वैल्यू सेंटर पे क्या आएगी, जीरो। तो मैं अगर ग्राफ को साथ साथ देखूं तो एटलीस्ट ये आंसर तो नहीं हो सकता कि सेंटर पे भी जीरो नहीं है। ठीक, इसके बाद ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, सेंटर पे सी जीरो है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कोई पॉइंट जो यहां लाई करता है, जो पॉइंट यहां लाई करता है, तो करंट यहां पर बाहर है, बी कैसे है, नीचे है, करंट यहां पर बाहर है, बी कैसे है, नीचे है, तो नेट बी कहां पर होगा, डाउनवर्ड्स। और अगर यहां पे कोई पॉइंट होगा तो बी कैसे होगा, अपवर्ड, करंट बाहर है तो बी कैसे होगा, अपवर्ड, तो यहां पर बी अपवर्ड है। तो अगर आप चेक कर, और बी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है इनफाइनाइट वायर में, सबको पता है हाइपरबोला बनेगा। तो रूल नंबर वन, बी क्योंकि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब कि ये बी अपवर्ड है, तो ये ग्राफ नहीं बन सकता क्योंकि बी इसमें ऊपर की तरफ है। बी जो बनेगा वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है, नेगेटिव नीचे की तरफ है, और यहां पर बी कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, आप चेक करो ऊपर की तरफ गेरा। तो क्वाड्रेंट जो आपके बनने चाहिए वो एक नीचे और एक ऊपर ऐसे बनने चाहिए। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक, यहां से क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, यहाँ पर तो कैसे चेक करने समझ में आ रहा है, तो हिट एंड ट्रायल है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट, ये तो ठीक है क्वेश्चन, क्या हुआ ऐसा क्वेश्चन तो हमने, ये नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन। यस सर। देखो एक बहुत सिंपल रिजल्ट सुन लो, अगर आपके पास आई करंट है और एक इनफाइनाइट वायर है, ये लो थिक वायर है, इनफाइनाइट है,
करंट कहां पर है, इसकी बाउंड्री के अंदर करंट है ऐसे, तो इसकी बाउंड्री के अंदर करंट है कुछ ऐसे, मतलब यहां पर बाउंड्री अंदर, क्योंकि ये हॉलो है, हॉलो है। अगर मैं ये कहूं कि ठीक है इसकी बाउंड्री के अंदर आई करंट है, मुझे इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर बी बताओ क्या होगा, बी बताओ क्या होगा। तो रूल क्या है, जहां पे बी निकालना है वहां एक क्लोज्ड पाथ, तो क्लोज्ड पाथ में क्या करते हैं, बी इंटू टू पाई एक्स इज म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इसके अंदर दौड़ रहा है, इसके अंदर कोई करंट ही नहीं है जीरो, तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो। तो एक शॉर्टकट याद रखो, आपके पास एक अगर वायर है जो कि हॉलो है अंदर से, हॉलो वायर के अंदर खाली स्पेस के अंदर बी की वैल्यू हमेशा क्या होती है जीरो, बात खत्म। ठीक, रिजल्ट याद रहेगा तो फॉर्मूला बुक में नोट भी कर लेना, ये इनफाइनाइट वायर है, हॉलो है और बी की वैल्यू सीधा शॉर्टकट लिखना कि एक इनफाइनाइट वायर है, ऐसे लिख देना। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे, तो बी की वैल्यू यहां पर क्या होगी जीरो, बस ये डायग्राम के साथ बी इनसाइड जीरो रहेगा, बात खत्म। और अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आर डिस्टेंस पे बी क्या होगा, तो प्लीज इनफाइनाइट का फॉर्मूला लिख लेना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाय आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, एट्थ के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। देखो जो नाइन्थ क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है कि मेडिकल के लिए सही है, थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, नॉन मेडिकल में बिल्कुल सही है। वो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड देखने में देखा क्या, ये क्या लगाया हुआ है, फिर फाइंड करंट एनक्लोज्ड इन अ लूप ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मेडिकल में नहीं आएगा क्योंकि नॉन मेडिकल में करवाया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर एक सर्कल की इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक सर्कल बनेगा ऑफ रेडियस आर, क्लोज पाथ बन गया, इसके अंदर जो करंट है वो आपको बताना है। तो मुझे पता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बी नॉट ही आएगा, बी नॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज बी नॉट, बी नॉट का मैग्नीट्यूड बी नॉट है। और वैसे भी मॉड करके देख लो, मॉड करना आता है ना, मैग्नीट्यूड आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का, आंसर इसका अल्टीमेटली क्या आएगा, बी नॉट ही आएगा। तो देखने में डरावना है कि पता नहीं क्या है, बी नॉट ही आएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, तो बी नॉट इंटू टू बाई आर इज म्यू नॉट इंटू आई करंट। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई निकाल लेना आंसर, कुछ नहीं है, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला है, थोड़ा मैथमेटिकल इसलिए है क्योंकि सर्कल की इक्वेशन इसमें यूज हो रही है। यहां तक
क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, 11th में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इनफाइनाइट शीट्स हैं। इनफाइनाइट शीट में करंट कैसे आ रहा है? बाहर आ रहा है, लैम्डा वन लैम्डा टू के बना है। पी पॉइंट पर बी की डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ। करंट यहां पर बाहर आ रहा है तो बी होगा लेफ्ट, करंट यहां पर बाहर आ रहा है तो बी क्या होगा लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट ऐड होंगे। तो पी पॉइंट पर ये ऐड होंगे क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता था इसका, म्यू नॉट लैम्डा बाय टू, हमने किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ की आखिरी एप्लीकेशन। तो दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद आंसर कहाँ आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, कायदे से होना चाहिए अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, पर चलो एक्स एक्सिस भी वैसे सही है, पर चलो इसमें ऑप्शन मार्क नहीं था तो मे बी स्पेसिफिकली पूछ रहा होगा कि लेफ्ट की तरफ का मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर वो कहते हैं जी क्यू पॉइंट पर निकालते हैं, क्यू पॉइंट पर करंट यहाँ की जैसे बाहर है तो लेफ्ट है, यहाँ पर करंट बाहर है तो ये राइट है, तो इसके अंदर लेफ्ट है इसके अंदर राइट है, दोनों बी क्या होंगे नेगेटिव। अब ये नहीं पता लग रहा कि अलोंग राइट है आंसर कि अलोंग लेफ्ट है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लैम्डा वन बड़ा है कि लैम्डा टू बड़ा है, मुझे क्या पता कौन बड़ा है, हाँ माइनस होगा तो इसलिए ये ऑप्शन सही माना जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, मालूम नहीं कि कौन सा पॉजिटिव के नेगेटिव पता ही नहीं, राइट स्पेसिफिकली पता नहीं। ऐसी अगर आर पॉइंट लें, करंट यहाँ पर बाहर है तो इस तरफ, करंट यहाँ पर बाहर है तो इस तरफ राइट की तरफ है, तो आर पॉइंट पर भी दोनों ऐड होंगे अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर क्यू पॉइंट पे लें, क्यू पॉइंट पे तो करंट यहाँ पर बाहर है लेफ्ट, करंट यहाँ पर बाहर है तो राइट, तो क्यू पॉइंट पर दोनों बी की वैल्यूज क्या होंगी माइनस होंगी, तो माइनस होंगी। तो कायदे से वैसे ये भी देखा जाए तो अगर एक्स एक्सिस बोल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि जब माइनस करेंगे मुझे पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, तो मेरे ख्याल से ये भी आंसर सही होना चाहिए। भाई जब पता ही नहीं कि क्या चीज़ है, या तो वो भी गलत कर दो फिर एक ही आंसर करो, इसका मतलब अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो ये आंसर मार्क नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अलोंग नेगेटिव एक्सेस होना चाहिए। यहाँ ये बिल्कुल सही है क्योंकि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस होना चाहिए, सॉरी इसमें नहीं मालूम, ये पक्का पता है कि अलोंग एक्स एक्सेस होना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। मेरे हिसाब से जिसमें आप बिल्कुल क्लियर हो कि अलोंग राइट है तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, जिसमें क्लियर नहीं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन आता है तो। पर समझ में आ रहा है कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को आंसर देना है, ऑनलाइन क्लियर है? यस यस, ये आंसर थोड़े से कंफ्यूजिंग से जो शायद मैंने कर दिए, मुझे ऐसा करने नहीं चाहिए थे क्योंकि मैं खुद ही क्लियर नहीं हूँ इसके अंदर क्या आंसर क्या सही होगा। हाँ वैसे अगर और क्लियर करना है तो आई कैप जे कैप से कर लें, उससे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा, दिखाता हूँ कैसे। मैंने इसमें ये कैसे, ये दो कैसे मार्क किए बता देता हूँ। पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर हमने देखा कि दोनों भी लेफ्ट हैं, दोनों भी लेफ्ट का मतलब माइनस आई कैप है, बात ही खत्म, ऐसे माइनस और प्लस करना ही नहीं है, बात ही खत्म, तो ये आंसर आ गया। अब दोनों में नेगेटिव तो आपको किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा, तो आंसर नहीं है। फिर क्यू पॉइंट के ऊपर एक आई कैप है एक माइनस आई कैप है, तो देखो आंसर बिल्कुल सही मिलेगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू कर सकते हैं, सही है ये, ज़्यादा ये ज़्यादा बेटर है, इससे क्लियर आंसर आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट में मालूम नहीं पड़ रहा, इसमें क्लियर आंसर आ रहा है, आई कैप है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और आंसर लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू, इसलिए मैंने इसका आंसर ये मार्क किया। फिर ऐसे ही अगर आर पॉइंट पर बात करते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो आर पॉइंट पर भी बिल्कुल सही आंसर है, दोनों पॉजिटिव है आई कैप है, और ऐसे ही क्यू पॉइंट पर तो एक आंसर आ गया, क्यू पॉइंट पर तो ये होगा नहीं ऑब्वियसली, तो इसलिए दो आंसर मैंने मार्क किए। मेरे को लगता है अपने को आई और माइनस आई के साथ ही करना चाहिए, इससे बिल्कुल क्लियर आंसर आएगा, राइट आप लेफ्ट और राइट ना करें, इसमें आई कैप माइनस आई कैप लगाएं तो बिल्कुल क्लियर आंसर इसमें मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये मेथड सेकंड मेथड ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें प्लीज, डाउट है? Yes, sir, देखो क्वेश्चन है, अ स्टेडी करंट आई फ्लोज
along infinitely long hollow cylindrical conductor of radius r. एक ना वो कह रहा है कि एक वायर है, ये हॉलो है, अंदर से क्रॉस सेक्शन है, हॉलो है, अंदर से हॉलो है, और इसकी बाउंड्री में आई करंट जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया. अब वो कह रहा है कि इसमें सिलेंडर इज प्लेस को एक्सियली इन साइड एन इनफाइनाइट सोलिनॉइड ऑफ रेडियस 2r. तो ये सिलेंडर है, इसके बाहर एक सोलिनॉइड लगा दिया, तो सिलेंडर अंदर रह गया, सोलिनॉइड उसके बाहर, एक्सिस कॉमन हो गया, तो ये रहा आपका 2r रेडियस का सोलिनॉइड. तो ये सिलेंडर है, ये सोलिनॉइड है, इसमें भी आई करंट है, इसमें भी आई करंट है. अब प्रॉपर्टी समझो, सिलेंड्रिकल वायर की हॉलो की क्या प्रॉपर्टी है. सिलेंड्रिकल वायर हॉलो की ये प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर बी जीरो होता है पर बाहर बी होता है. सोलिनॉइड की क्या प्रॉपर्टी है, सोलिनॉइड के एक्सिस के अंदर, एक्सिस पे या सोलिनॉइड के अंदर बी की वैल्यू होती है पर बाहर बी की वैल्यू नहीं होती, उल्टा है. तो सोलिनॉइड के अंदर बी एग्जिस्ट करता है, बाहर नहीं करता, और सिलेंड्रिकल वायर के अंदर बी नहीं करता, बाहर करता है. अब शुरू करें, तो अगर मान लो एक सिलेंडर है और एक सोलेनॉइड है, तो अगर मैं पूछूं कि बी की वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, जीरो होगी कि नहीं होगी, कुछ बी जीरो हो सकता है एक्सिस पे, तो सिलेंडर की वजह से एक्सिस पे बी क्या होगा, जीरो. सोलेनॉइड की वजह से क्या होगा, नॉन जीरो भाई, सोलेनॉइड के अंदर, क्योंकि वो पॉइंट सोलेनॉइड के अंदर है, तो यानी कि इसके अंदर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जीरो रहेगा, पर इसका नहीं जीरो रहेगा, तो नॉन जीरो. अगर मैं कोई पॉइंट यहां लेता हूं तो इस सिलेंडर की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, पर सोलेनॉइड की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट इसके लिए बाहर है और इसके लिए अंदर है, तो फिर भी नॉन जीरो होगा, कोई तो दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इसमें. अगर पॉइंट बिल्कुल ही बाहर लेता हूं, फिर सोलेनॉइड कहेगा मैं नहीं करता, पर सिलेंडर कहता है मैं तो करूंगा, तो तीनों केस में नॉन जीरो आंसर रहेगा, जीरो आएगा ही नहीं आंसर इसमें. समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि या तो किसी पॉइंट पर सिलेंडर कंट्रीब्यूट कर देगा और सोलेनॉइड नहीं करेगा, और किसी पॉइंट पर सोलेनॉइड करेगा और सिलेंडर नहीं करेगा. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो नेट बी नॉन जीरो ही रहेगा सारे केसेस में, ठीक है.